फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बार फिर से बच्चों की फेवरेट डोनट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही इजीली घर के ही सामान से हम इसको बनाकर तैयार करेंगे। इसमें हमने ना कोई अंडा ना ही कोई ईस्ट का यूज़ किया है, सिर्फ घर के ही जो अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स हैं उनसे हम इसको बनाकर तैयार करेंगे। बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका डो तैयार कर लेंगे। तो मैंने उसके लिए 1 कप मैदा लिया है। अगर हम इसमें वेट में देखेंगे तो 125 ग्राम मैदा है, 125 ग्राम। आधा छोटी चम्मच मैंने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया है, साथ ही में 2-3 पिंच इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे। और ये 50 से 60 ग्राम के लगभग मैंने इसमें पिसी हुई चीनी ऐड की है। अब सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से छान लेंगे। छानने से डोनट्स अच्छे बनेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सभी को अच्छे से छान लिया है। छानने के बाद में इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें 1 पाउच मिल्क पाउडर का ऐड करूँगी। ये मैंने 10 रुपये वाला जो मिल्क पाउडर का पाउच आता है वो मैंने इसमें ऐड किया है। इससे डोनट का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो ये आप ज़रूर ऐड करें इसमें। अब मैं इसमें जो फ्रेश दही होता है उससे हम इसका डो तैयार करेंगे। दही आप जो यूज़ करें वो फ्रेश ही लें, खट्टा दही नहीं यूज़ करना है इसमें। और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएं, और दही को आप धीरे धीरे मिक्स करें इसमें। एकदम से सारा दही एक बार में नहीं ऐड करना है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और एक अच्छे से डो तैयार कर लेना है। इसका डो ज़्यादा टाइट नहीं लगाना है हमें, इसको हल्का सा लूज़ डो ही हमें इसका चाहिए होगा। इससे डोनट ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से काफ़ी स्पॉन्जी और जाली वाले डोनट बनकर तैयार होंगे। इस तरीके से हम इसका डो तैयार कर लेंगे। और ऊपर से मैंने इसमें 2 चम्मच देसी घी ऐड किया है। आप चाहें तो इसमें बटर भी ऐड कर सकते हैं। घी या बटर ऐड करने से जो डो हमारा चिपक रहा था, देखिए अभी वो कटने लग जाता है, यानी कि मतलब वो हाथों से छूटता है और आराम से कटने लग जाता है। अगर डो हल्का सा ढीला हो जाए तो आप ऊपर से उसमें 2-3 चम्मच मैदा ऐड कर सकते हैं। तो मैंने भी यहाँ पर 2-3 चम्मच मैदा ऐड किया है, क्योंकि डो हल्का सा मेरा ढीला था। अब इसे ढककर 2 घंटे के लिए हम रेस्ट के लिए रख देंगे। 2 घंटे हो गए हैं, एक बार हम डो को चेक कर लेते हैं। तो डो देखिए एकदम बढ़िया अच्छे से फूल गया है, तो ये डो डोनट बनाने के लिए एकदम तैयार है। तो अब हम इसके डोनट बनाकर तैयार करेंगे। तो उसके लिए ये चिपकेगा नहीं, तो मैंने थोड़ा हाथों पे घी से ग्रीस कर लेती हूँ, थोड़ा हाथों पे घी लगा लेती हूँ, जिससे ये चिपकेगा नहीं। और अब ये डो बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है, तो मैं इसको रोलिंग बोर्ड पर थोड़ा सा हल्का से मैदा डस्ट कर लेती हूँ, उसके ऊपर इसको हम रोल कर लेंगे, अच्छे से बेल लेंगे। हमें थोड़ा मोटा ही बेलना है, इसको एकदम पतला नहीं बेलना है, जिससे डोनट एकदम बढ़िया एकदम मार्केट जैसे लगे। तो इसको अब हम कट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक ग्लास लिया है, उससे कट कर लेंगे। आप कुकी कटर या ढक्कन से भी कट कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसमें से डोनट कट कर लेंगे। अब इसको देखिए, यहाँ पर थिकनेस आपको दिख रही है, तो मैंने इसको थोड़ा मोटा ही काटा है। अब इसमें एक बीच में अच्छी डोनट शेप देने के लिए तो एक ढक्कन का यूज़ करेंगे, उससे हम इसका बीच वाला पार्ट भी निकाल देंगे। ये एकदम मार्केट जैसे डोनट लगेंगे। देखिए अभी थोड़ा सा इसका शेप हल्का सा बिगड़ रहा है, लेकिन जब सेकेंगे तो ये एकदम बढ़िया बन जाएंगे। इसी तरीके से हम सभी डोनट्स को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो जो हमारा डो था उसमें से मेरे लगभग 12 डोनट बनकर तैयार हुए हैं। तो अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। ऑयल को हम मीडियम गरम करेंगे और गैस का फ्लेम हम एकदम लो रखेंगे। इसको एकदम ज़्यादा हीट ऑयल वाले में गरम नहीं करना है, नहीं तो डोनट ऊपर से सिक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर ही फ्राई करें, जिससे डोनट अंदर तक अच्छे से सिक जाएं। जब तक ये ऑयल के ऊपर ना आए तब तक इनको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, ऐसे ही सिकने देना है। डोनट ऑयल के ऊपर तैरने लगे तो उसके बाद हम इसको पलटेंगे, और ऐसे ही अलट पलट कर हम इनको गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इनको अच्छे से सेक लेंगे। देखिए पहले से यहाँ पर कलर चेंज हो चुका है, और देखिए ये इसमें डोनट में हल्के हल्के से क्रैक्स आपको दिख रहे होंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि डोनट्स का डो एकदम हमारा परफेक्ट बना है। तो ये यहाँ पर डोनट अच्छे से सिक गए हैं। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ, और देखिए कितना अच्छा और बढ़िया कलर आया है। इसी तरीके से हम सभी डोनट को सेक कर तैयार कर लेंगे। तैयार डोनट्स को हम ऐसे भी
शुगर डस्ट करके, शुगर पाउडर डस्ट करके भी खा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसको चॉकलेट से थोड़ा डेकोरेट करूँगी। तो मैंने यहाँ पर वाइट और डार्क चॉकलेट लिया है, इनको हम डबल बॉयलर की हेल्प से मेल्ट कर लेंगे। तो मैंने दोनों चॉकलेट्स को अच्छे से मेल्ट कर लिया है। अब हम इसी इन चॉकलेट्स में डोनट को डिप करेंगे। तो मैं सबसे पहले वाइट चॉकलेट में इसको डोनट को डिप कर देंगे अच्छे से, और डिप करने के बाद में इसको हल्का सा हम सूखने देंगे। तो मैं इसको एक प्लेट में रख दूँगी। इसी तरीके से हम डार्क चॉकलेट में भी डोनट को डिप कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 5-6 डोनट्स को इसी तरीके से बनाकर चॉकलेट में डिप कर तैयार कर लिया है, और बाकी के डोनट्स मैंने ऐसे ही रख दिए हैं। तो इनको थोड़ा सा और डेकोरेट करने के लिए मैं इस पर स्प्रिंकल्स लगाऊंगी। स्प्रिंकल्स लगा देंगे, कुछ पर मैंने ड्राई फ्रूट का बारीक पाउडर भी लगाया है, और कुछ डोनट्स को मैंने वाइट और डार्क चॉकलेट से डेकोरेट किया है। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग जैसे आप चाहें वो इस पर लगा सकते हैं, और ऐसे प्लेन भी आप खा सकते हैं। मैंने यहाँ पे इनको चम्मच से ही चॉकलेट को डेकोरेट किया है। आप चाहें तो इसको कॉर्न में डालकर भी इसको अच्छे से लगा सकते हैं, तो मैंने तो ऐसे ही स्पून से लगा दिया है। तो इसी तरीके से हम डोनट्स को अपने मनपसंद के अकॉर्डिंग डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एकदम बढ़िया, बिल्कुल मार्केट जैसे डोनट तैयार हैं। आप इनको घर पर कभी भी जब बच्चों का मन करे बनाकर तैयार कर सकते हैं, और कोई भी छोटी मोटी पार्टी हो तो भी बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ।